हल्द्वानी से बड़ी खबर मिली है। जनमिलन कार्यक्रम में लोगों द्वारा आयुक्त दीपक रावत को अवगत कराया गया कि इको टाउन एरिया में पाल कॉलोनाइजर द्वारा मानकों के विरुद्ध भूखंडों की प्लांटिंग की जा रही है, जिसको गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने शुक्रवार की शाम इको टाउन फेज़ 1, 2 और फेज़ 3 का स्थलीय निरीक्षण किया। आयुक्त ने निरीक्षण के दौरान पाया कि 3 कॉलोनियों में उचित सुविधाएं नहीं दी गई हैं। कॉलोनियों में ग्रीन स्पेस नहीं दिया गया है, साथ ही सड़क, नालों एवं ड्रेनेज सिस्टम का कोई प्रबंध नहीं था एवं एसटीपी भी नहीं बनी थी। आयुक्त ने इसको गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त के साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्लॉटों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। आयुक्त ने इको टाउन कॉलोनी का निरीक्षण के दौरान पाया कि टाउन सिटी के अंदर बहुतया संख्या में बहुमंजिला फ्लैट बनाकर बेचे जा रहे हैं, जो कि नियमों के विरुद्ध है। आयुक्त ने मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देश दिए कि टाउन सिटी के अंदर बहुमंजिला फ्लैट के मानचित्र किसके द्वारा स्वीकृत किए गए हैं आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए, साथ ही कॉलोनाइजर को नोटिस देने के भी उन्होंने निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि टाउन सिटी मानचित्र के अनुसार पार्क, सड़क, सड़क के दोनों ओर नालियां एवं ड्रेनेज सिस्टम स्थलीय निरीक्षण पर नहीं पाया गया, जिसको गंभीरता से लेते हुए तत्काल नोटिस के साथ ही बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आयुक्त ने कहा कि आम लोगों को जो सुविधाएं दी जानी थी वह नहीं दी गई हैं। इस तरह की शिकायतें मेरे पास आ रही थी कि जो कॉलोनीज यहाँ पे बनी है, जो 3 कॉलोनीज मैंने देखी है, इसमें जो उचित सुविधाएं हैं वो नहीं दी गई हैं और जो लेआउट पास हुए हैं उसका कई जगह पर उल्लंघन हो रहा है। तो उसको आज मौके पे देखा गया। पहला उल्लंघन तो यही है कि जो 5-5 हेक्टर में कॉलोनी कट रही है, तो ये जनता का राइट है, उनको ग्रीन स्पेस मिलना चाहिए। ग्रीन स्पेस के साथ ही बास भी होती है, वो मौके पर कहीं डेवलप नहीं किया गया। सेकेंडली, जो अंदर सरकारी रस्ते हैं या गुले हैं उनका भी मौके पर विक्रय हो गया है। कितने प्लॉट बिक चुके, कितने बचे हैं, क्या वो प्लॉट जो आपका पास हुआ है लेआउट उसके अनुरूप बिके, इसका भी कोई ब्यौरा नहीं रखा गया है। थर्डली, जो कॉमन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो रोड हों या ड्रेनेज हों, वो भी यहाँ पे नहीं है। इंडिविजुअल जो नक्शे मांगे गए वो भी मौके पे नहीं दिखाए गए। और बहुत से इस तरह की भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो पहले से कॉलोनी है उसके अंदर फिर से एक और ग्रुप हाउसिंग बन रहा है, जो कि नियमों के विपरीत है और जो पब्लिक को फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए उसके विपरीत है। और जब इतनी बड़ी कॉलोनीज बनती हैं तो उसमें एसटीपी दिया जाना भी अनिवार्य है। ये एनवायरनमेंट के रूल्स हैं कि आप 20 कमरों से ऊपर बनाएंगे या इतना बड़ा कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाएंगे तो एसटीपी बना के देना भी अनिवार्य है। तो उसका भी यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। तो इन सभी के संबंध में हमें प्राधिकरण को निर्देशित किया गया कि नोटिसेस दें और जब तक अनियमितताएँ हो रही हैं, जब तक कंपाउंड नहीं होते नक्शे नए सिरे से, तब तक इसमें इनकी जो सेल है उसको रोका जाए और फर्दर कोई निर्माण हो रहा है तो उसको भी रोका जाए। ठीक है, थैंक यू। कौन सा वाला? ये बगल में सड़क, ये भी उसी का है? नहीं नहीं, ना ना, बड़ा बड़ा ये वाला के है। ये रोड के अंदर आ गए ना, ये रोड के अंदर इतना नापेंगे फिर सदरलैंड को कहाँ आई अदर? ये हो सकता है, ये बात कंपाउंड कैसे होगा वरना? ठीक है, पार्क है।